हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोज का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे क्या है। व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता अब्सेंस ऑफ वाटर में। तो सिंपल फॉर्म में, इससे पहले हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है कि एसिडिक बिहेवियर जब भी होता है किसी एसिड का, ये इक्वस सॉल्यूशन में होता है। रीजन होता है कि इक्वस सॉल्यूशन में वो एच प्लस आयन रिलीज करता है, तो जो एच प्लस आयन है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक बिहेवियर के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर ये प्रोड्यूस नहीं होता तो एसिडिक बिहेवियर नहीं करेगा। तो एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि एच प्लस आयन। द एसिड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन ओनली ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। ये हाइड्रोजन आयन तब भी फॉर्मेशन करता है जब इसको वाटर में डिजॉल्व करें। इन द अब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड हेंस डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। और उसके साथ साथ ये एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन सिंपल फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं करता है अब्सेंस ऑफ वाटर में, यानी कि वाटर प्रेजेंस ना हो तो, और यही रीजन होता है कि एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करता है। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन के साथ, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।